तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए है वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। किस दिशा में देश अट जा रहा है मोदी जी हमारा, तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी दिल्ली के जो कमिश्नर है वो दिल्ली पुलिस अमित शाह साहब सब मिलकर इस बात का संज्ञान लें और जो वो पुलिस कर्मी जिसने इतनी नफरत दिखाई, जिसने लात मारी है सजदा करते वाले मुसलमान युवा को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। सर, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से हंगामा था, लोगों की नाराजगी थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी तरफ से पुलिस, जिन लोगों के वीडियो वायरल हो रहे थे जिन पुलिसकर्मियों? अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलके उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर, जनता के लिए क्या अपील है जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो शांति है वो बरकरार रखनी है और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलके यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मेंटेन। सर, सस्पेंड कितने पुलिसकर्मियों को किया गया? अभी जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड। रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए है वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीके से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर-ए-आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो, किसके ख़ानदान से है, बताओ? आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अजीज के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरका परस्ती और नफ़रत के मज़ाहरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़जल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का खात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagrega Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.